हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से चिकित्सा व्यवस्था के हालात बेकाबू हो गए हैं, वहीं तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि तीसरी लहर में मासूम बच्चे इसकी चपेट में आएंगे। इन बीच शुक्रवार को बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक 8 साल के मासूम बच्चे को भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आरटीपीसीआर जांच में 17 स्कोर आने पर उसे भर्ती किया गया है और उसकी आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश चौहान ने बताया कि शिव इलाके के एक 8 साल के बच्चे को आरटीपीसीआर जांच में 17 स्कोर आने पर उसे भर्ती किया गया। आरटीपीसीआर जांच के लिए शनिवार को उसका सैंपल भी लिया गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस बच्चे का स्वास्थ्य स्थिर है। पिछले एक माह से 6 से 7 शिशुओं को भर्ती कराने की आवश्यकता हुई थी, लेकिन सारे ही ILI जैसे लक्षण वाले थे, जिन्हें उपचार के बाद छुट्टी दी गई। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिनों में करीब 60 से 70 बच्चे सामने आए थे, उनमें से अधिकांश बिना लक्षण वाले थे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ही उन बच्चों का पता चला था। लेकिन आरटीपीसीआर जांच में 17 स्कोर वाला ये पहला ही केस सामने आया है जिसे भर्ती किया गया। बता दें कि कुछ दिनों से बाड़मेर में कोरोना की रफ्तार कुछ कम होने लगी है, लेकिन जिस तरह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, उसके मद्देनजर बाड़मेर चिकित्सा विभाग की ओर से जिला अस्पताल में बच्चों के लिए 2 कोविड-19 बनाए गए हैं। ऐसे में शनिवार को HRCT जांच में 17 स्कोर वाला पहला ये मामला सामने आने पर उस बच्चे को भर्ती किया गया है। फिलहाल बच्चे का स्वास्थ्य स्थिर बताया जा रहा है। आरटीपीसीआर जांच के लिए उसके सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल मेडिकल अस्पताल में मासूम का उपचार चल रहा है। हाँ, शिशु वार्ड में एक अभी शिशु जो भी 19 ओल्ड है, सिर्फ 17 का, हाँ, उसको कोरोना के लक्षणों के कारण भर्ती किया गया है और उसका HRCT स्कोर 17 आया है आउट ऑफ 25। तो उसको हमने आज RTPCR के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए सैंपल भेजा है लैब में। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।